हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, मेरे पास VFD है एलन ब्रेडली की, पावर फ्लैक्स 40 का मॉडल नंबर है। तो ये एलन ब्रेडली की मेरे पास VFD है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि इसको वो फैक्ट्री रीसेट कैसे करें, इसको रीसेट डिफ़ॉल्ट इसके पैरामीटर को कैसे करें। तो मान लीजिए हमारे पैरामीटर डाल के हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, और नंबर दो फ्रेंड्स, इसके बाय डिफ़ॉल्ट डलते ही इसको रीसेट करते ही ये ड्राइव जो है पोर्ट पे आ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस पोर्ट पे आ जाएगी, जो इंटरनल पोर्ट लगा है VFD का, ये इसके रेफरेंस जो है पोर्ट पे आ जाएगा, और स्टार्ट स्टॉप भी की पैड पे आ जाएंगे, स्टार्ट ग्रीन वाले से और रेड वाले से स्टॉप। तो ये टोटल नंबर और इसके बटन है, देखिए एस्केप का, सेलेक्ट का, अप का, डाउन का और एंटर की, और स्टार्ट की और स्टॉप की, और ये पोटेंशियोमीटर स्पीड के रेफरेंस के लिए। तो अगर हम इसको रीसेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर आ जाएगा, और इसके ऊपर ये ग्रीन LED दिख रही है, ये ब्लिंक हो जाएंगी। जैसे ही कीपैड पे स्टार्ट का आएगा तो हमारा ये ब्लिंक हो जाएगा। जैसे ही हमारा पोटेंशियोमीटर, इंटरनल पोटेंशियोमीटर हेल्दी होगा तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगी लाइट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये रीसेट हो गई है। तो रीसेट के लिए मैं पैरामीटर बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूँ इसका। ये इसके टर्मिनल, देखिए टर्मिनल कनेक्शन यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक से लेके नौ तक, और उसके बाद 11 से लेके 19 तक। तो ये सब इसके कनेक्शन डायग्राम हो, कनेक्शन टर्मिनल हो गए। इसके अलावा ये रिले का हो गया हमारा, इसकी मल्टी फंक्शन रिले है, इसको यूज़ करने के लिए ये कनेक्शन है हमारे कॉमन NONC। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे पावर के हो गए, मेन पावर इनकमिंग 3 फेज, और ये मोटर के हो गए हमारे। फिलहाल मैंने ये मोटर लगाई हुई है इसमें, ये मोटर के कनेक्शन होंगे। मोटर पे जहाँ भी होगा वो UYW होगा, और मेन पे होगा जो भी सप्लाई वो L1 L2 L3 इस तरीके से लिखा होगा फ्रेंड्स। तो इसका मैं साइड में डिस्क्रिप्शन में दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो देखिए इनपुट 3 फेज है, 380 से 400 वोल्ट, और AC वोल्टेज है, और एम्पियर की बात करें तो 5.7 एम्पियर इनपुट करंट है इसका। आउटपुट 3 फेज, और 0 से 460 वोल्ट वेरिएबल AC, और कंटिन्यूस एम्पियर जो करंट है इसका 4, और 60 सेकंड तक जो है ये ओवरलोड 6.0। तो ये हमारी मोटर की है, 1.5 किलोवाट या 2 HP की ड्राइव है हमारी ये। तो चलिए इसका पैरामीटर मैं बताता हूँ कैसे जाना है। सबसे पहले तो इसको हम सेलेक्ट का बटन पुश करेंगे, ये वाला, जैसे मैंने देखो सेलेक्ट किया तो ये बन के आ गया P038। तो P वाले पैरामीटर में हो गए, इसमें और भी जाते हैं, देखिए मैं इसको अप की से चेंज करके दिखा दूँ। तो देखिए A आ गया, फिर D आ गया डिस्प्ले वाले, तो हमें फ़िलहाल P में ही जाना है। और इसके बेसिक जो पैरामीटर हैं फ्रेंड्स, वो भी ड्राइव के ऊपर ही लिखे हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पर साइड में, ये देखिए। तो लेकिन आज का हमारा वीडियो का ओनली रीसेट डिफ़ॉल्ट के लिए, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो पी पे हम ही एंटर करेंगे, तो इस तरफ आ जाएगा सर्कल, देखिए अब ये ब्लिंक करने लगा है 38 का, 8 वाला। तो इस पे जाएंगे हम 41 नंबर पे, तो 41 पे अब की से जाएंगे, अब की मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए 9th, ये हो गया 41। 41 को एंटर करेंगे, ये एंटर कर रहा हूँ, तो 0 पड़ा है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 0 को मैं 1 करूँगा, जैसे ही मैं 1 करके एंटर करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएंगे पैरामीटर पी वाले, और हमारे ये पोर्ट पे आ जाएगा, ये भी ब्लिंक करने लगेगा, ये भी ब्लिंक करने लगेगा, मतलब कि पोर्ट पे स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पे आ जाएगा और रेफरेंस भी पोर्ट पे आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको 1 करने जा रहा हूँ, देखिए। तो एक बार दबाया तो ये प्रोग्राम में चले गया, ये देखिए LED ब्लिंक हो गई है, और दोबारा आपकी दवाई तो मैंने 1 हो गया 0 का। तो 1 को एंटर करने जा रहा हूँ देखिए अभी, तो देखिए मैंने जैसे ही एंटर किया फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी ब्लिंक हो गया है, पोटेंशियोमीटर हेल्दी हो गया है, और स्टार्ट स्टॉप के लिए कीपैड का ये भी हेल्दी हो गया है। और अभी F048 फॉल्ट आ रहा है, तो हमको इसको रेड की ये बटन दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने रेड को पुश बटन दबाया, ये कीपैड दबाया, तो हमारा रीसेट हो गया। अभी हमारा स्टार्ट स्टॉप जो है कीपैड से हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया इसमें अभी फ़िलहाल। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट करके देख लेता हूँ अब कि हमारा कीपैड स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मेरे पास मोटर है, ये देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो मैंने स्टार्ट करी, देखिए फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, हमारी मोटर जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अब मैं इसको स्टॉप करके दिखा देता हूँ,
ये मैंने स्टॉप किए, ये स्टॉप हो गया, देखिए ये देखिए आरपीएम कम हो रहे हैं। अब ऐसे मैं आपको पोटेंशियोमीटर से भी रेफरेंस कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। दोबारा स्टार्ट की मैंने, ये देखिए अब मैं पोर्ट से आरपीएम को कम करूँगा, और ये देखिए 17-18, ये देखिए 11 हर्ट्ज पे आ चुकी है, ये देखिए आरपीएम कम हो रहे हैं, ये देखिए और कम कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल कम हो चुके हैं आरपीएम इसके, 3 हर्ट्ज पे आ चुकी है। फिर दोबारा बढ़ा के दिखा देता हूँ, ये देखिए बढ़ा दिया मैंने आरपीएम। तो इस तरीके से हमारे रीसेट हो गए हैं पैरामीटर, रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। तो ये था हमारा पैरामीटर रीसेट का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।